इतिहास गवाह है, रक्त से लिखा हुआ इतिहास कभी स्याही से नहीं मिट सकता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वर्ल्ड XMG के एक और नए एपिसोड में। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, और अगर आप हमारे पुराने व्यूअर्स हो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आपको आज की वीडियो में फुल नॉलेज मिलने वाला है, तो बने रहे वीडियो के साथ। आज हम बात करने जा रहे हैं ओरछा की। ओरछा मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिले में स्थित एक ऐतिहासिक नगर है। इसकी स्थापना राजा रुद्र प्रताप बुंदेला ने 1501 ईस्वी में की थी। यह बेतवा नदी के किनारे बसाया हुआ अद्भुत कलाकारी का एक बेतहास नमूना है। दोस्तों, अभी मैं हूँ टॉप फ्लोर पे, जो सबसे ऊपर गुंबद है, ठीक गुंबद के नीचे हूँ अभी मैं, और यहाँ से आप देख सकते हो कितना गहरा है नीचे। पीछे का व्यू आपको दिखाते हैं अभी, और सामने है इसके बेतवा नदी, जो यहाँ पहाड़ियों से आती है, उत्तर प्रदेश की जो फ्रंट यहाँ पर सीमा लगती है उत्तर प्रदेश से, और मध्य प्रदेश का जो बॉर्डर शुरू होता है वहाँ पर एक किला उपस्थित है, और झांसी से यह 17 किलोमीटर की दूरी पे है। तो पीछे बताते हैं आपको बेतवा नदी का जो व्यू है, यहाँ पर जो दृश्य है वो कैसा है। वैसे तो अधिकतर किले पहाड़ों या किसी ऊंचे टीले पर बने होते हैं, लेकिन यह राज्य के मैदानी भाग में अंतिम छोर पर बना हुआ है। ओरछा के किले में चार चांद लगाता है यह जहांगीर महल। सत्रहवीं शताब्दी में राजा वीर सिंह देव ने यह महल तब बनाया था जब अकबर के बेटे सलीम, जिसे आज जहांगीर के नाम से कहा जाता है, वह एक रात के लिए इस महल में रुकने के लिए आया था, जिसके बाद इस महल को वन नाइट महल से भी जाना जाने लगा। लगभग 100 कमरों का यह जहांगीर महल भारतीय और मुगल वास्तुकला का शानदार नमूना है। इसके प्रवेश द्वार को कंटीला दरवाजा भी कहा जाता है, जिस पे लोहे के मोटे कांटे लगे हुए हैं, और ठीक बीच में है ये चौकोर आंगन। यह महल चार मंजिला है और उन पे सुंदर छतरीनुमा गुंबद भी बने हुए हैं। आपको यहाँ दीवारों पर खूबसूरत नक्काशी और जालिका का काम भी नज़र आएगा। साथ ही 800 साल पुरानी दीवारों पर बनी रंग बिरंगी पेंटिंग ज्यों की त्यों हैं। ये है राजा का महल। राजा रुद्र प्रताप ने 16वीं सदी में इसका कार्य शुरू करवाया था, और राजा मधुकर शाह ने इसे पूरा किया था। इसके बाद बुंदेला शासन के अंत तक राजाओं और रानियों का इसी महल में निवास रहा। ये बाहर से तो शानदार दिखता है, किंतु अंदर से वास्तुकला की मिसाल है।
साथ ही शीस महल का भी अद्भुत नज़ारा, जिसे अब मध्य प्रदेश सरकार द्वारा होटल में तब्दील किया गया है। ये है चतुर्भुज टेम्पल, जो राजा के महल के ठीक सामने बना हुआ है। इसके साथ में राम राजा सरकार का बहुत बड़ा दरबार भी है। तो गाइज, आज के ब्लॉग में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। उम्मीद है आपको आज का ब्लॉग पसंद आया हो, तो बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एक और नई स्टोरी के साथ।